हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है 15 अगस्त यानी कि ये इंडिपेंडेंस डे, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अभी बज रहे हैं 10:30, और एक्चुअली रेडी हो गई हूँ मैं। तो रेडी किस लिए हुई हूँ वो भी बता देती हूँ। आज छुट्टी है, इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि आज कहीं बाहर घूम के आते हैं। काफ़ी दिन हो गए लॉकडाउन की वजह से, कहीं बाहर ही घूमने नहीं गए, आउटिंग के लिए गए ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग जाके आते हैं अभी। और आप लोगों में से बहुत से लोग बोलते हो कि आप कहीं पर जाते हो तो उसका नाम ही नहीं बताते, तो हम लोग जा रहे हैं आज चिखलदारा, क्योंकि यहाँ से पास में ही है। पास में मीन्स कितने घंटे का रास्ता है यहाँ से चिखलदारा का? अहो, इनको सुनाई नहीं दे रहा लगता। अहो, चिखलदारा तो म्हणजे किती तासाचा आहे? चिखलदारा किती तासात पोहोचतो आपण? हाँ, दो घंटे बोल रही थी, दो ढाई घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पे। हम लोगों के यहाँ से मतलब अमरावती से 2-2.5 घंटे का रास्ता है चिखलदारे का। और चिखलदारा मीन्स जैसे उत्तराखंड में नैनीताल वगैरह जैसा है, वैसे यहाँ पर चिखलदारा है। तो चिखलदारा में पॉइंट है, मतलब पॉइंट वगैरह है वहाँ पे देखने लायक, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाके आते हैं। तैयारी वगैरह हो गई है हमारी, निकल रहे हैं हम लोग अभी। बच्चों का भी मूड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा। ले लो, तो जैकेट भी ले लेना, पानी की बोतल ही ले लो। सब तो चलिए फिर निकलते हैं हम लोग अभी। इतने दिनों के बाद कहीं जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक्चुअली कोरोना की वजह से सारे लोग घर पे ही बैठे हैं और हम लोग भी इतने दिनों से घर पे ही बैठे थे, तो आज हमने सोचा कि चलो जाके आ जाते हैं, क्योंकि छुट्टी है तो फ़ायदा उठाना चाहिए छुट्टी का भी। और वैसे भी घर पे रह रहे के बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा पास क्यों ना हो बट घूमने जाए। तो आज फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि चलो चले जाते हैं और कहीं घूम के आते हैं। तो ये व्लॉग काफ़ी दिनों का है, आप लोग सोच रहे होंगे कि 15 दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, बट ना बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, कुछ मतलब रीज़न की वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, एडिट भी नहीं कर पा रही थी। और आप लोगों को पता है अद्विक की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उसके पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद मैंने ये व्लॉग बनाया। एक्चुअली इस वजह से ये हम लोग घूमने गए थे कि चलो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए, और वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बच्चे भी आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, माही तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। अद्विक को इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता है कि बाहर घूमना ये वो, मतलब ज़िद करना बाहर घूमने जाने के लिए, बट माही को समझ में आता है। तो माही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चलो कहीं घूमने जा रहे हैं फाइनली हम लोग। तो बस निकल चुके थे हम लोग यहाँ पर, और हाँ, जो जगह पर हम लोग जा रहे थे ना, इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि आपको क्या बताओ यार। और ये जो मेरी फ्रेंड है वो भी साथ में आई थी, और ये दूसरी जो फ्रेंड है वो भी साथ में आई थी। हम लोगों ने मतलब पहले डिसाइड किया था कि हम लोग तीनों ही जाएंगे, बट उसके बाद ये दोनों रेडी हो गए थे, तो उसके बाद हम लोगों ने इन्हें भी ले लिया साथ में। और हाँ, जो जगह पे हम लोग जाने वाले थे पहले, मतलब चिखलदारा, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि चिखलदारा हम लोग जाने वाले हैं, तो वो जगह पे जाना कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि बहुत लेट हो गया था घर से निकलने के लिए ही। और वैसे भी जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर पॉइंट है देखने लायक, तो वो जो पॉइंट है कुछ बंद कर दिए गए थे कोरोना की वजह से, ज़्यादा भीड़ ना हो इसी वजह से, तो वो बंद कर दिए थे। तो इसीलिए इन्होंने जब उनके फ्रेंड को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि वो जो पॉइंट है कुछ वहाँ के पॉइंट बंद कर दिए गए हैं, इसी वजह से हमने सोचा कि इतने लेट जाएंगे और वहाँ पर पहुँचेंगे भी तो लेट पहुँचेंगे, और जो पॉइंट देखने लायक है वो उन्होंने वहाँ के बंद कर दिए थे, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा देखने लायक भी नहीं था कुछ। तो हमने सोचा कि दूसरी जगह जाते हैं। तो जो मेरी फ्रेंड है वो एक जगह जाके आई थी, तो उसने हमें बताया कि चलो हम लोग वहाँ पर जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए फिर, और इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है यार कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से निकलने का, इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर मतलब झरना, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह।
यहाँ पर ग्रीनरी आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ग्रीनरी थी। और ये रास्ता मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि ये रास्ता आप देख सकते हो, छोटा छोटा सा रास्ता था, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, मतलब एक या दो लोग जा सकते हैं इस रास्ते से, और वो भी इतना फिसलन वाला रास्ता था कि आपको क्या बताऊँ। मतलब ऊपर से बारिश चल रही थी, बारिश हो रही थी ऊपर से, और उसके ऊपर ये मिट्टी का रास्ता, हम लोग फिसल रहे थे, लिटरली फिसल रहे थे यहाँ से, इतना मतलब फिसलन वाला रास्ता था ये, बहुत संभल संभल के चलना पड़ रहा था यहाँ से। और ये तो भी आपको थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, आगे आगे तो बहुत ज़्यादा फिसलन वाला रास्ता था, मतलब जो नीचे गिरी हुई पेड़ की डालियाँ नहीं रहती है उसे हमें पकड़ पकड़ के नीचे उतरना पड़ रहा था, इतना ज़्यादा अजीब रास्ता था ये। बट हम लोग 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, 3 से 4 किलोमीटर हम लोग पैदल चले, उसके बाद वो झरना दिखा हमें, तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना कि आपको क्या बताओ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हो यहाँ से दूर से, मैंने आज अब आपको दिखाया ना, ये वाला झरना है जो ऊपर से गिर रहा है, वहाँ तक हमें पहुँचना था, और 3 से 4 किलोमीटर हमें इतने छोटे रास्ते से पैदल जाना पड़ा वहाँ पे। और कुछ लोग पूछेंगे कि ये कौन सी जगह है, मतलब जो अमरावती से है या अमरावती के अड़ोस पड़ोस से है, या अमरावती में उनका ससुराल मायका है तो मतलब उनको जाना होगा, तो ये जो जगह है वो दाराखोरा है। मतलब अमरावती से अगर आप सर्च करोगे, दाराखोरा का रास्ता आपको मिल जाएगा मैप पे, और बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा था यार, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा। मतलब वहाँ पर एक्चुअली मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि जो पानी गिर रहा था ना वो पूरा हमारे तक, मतलब यहाँ पर श्रीकांत खड़ा था, ये श्रीकांत ने शूट किया है, यहाँ पर श्रीकांत खड़ा था, बट जो पानी था झरने का वो वहाँ तक आ रहा था पूरा, मतलब ये मोबाइल से शूट किया है उसने, और मोबाइल पूरा भीग रहा था, तो इसी वजह से मोबाइल ख़राब हो जाता, तो मैंने ज़्यादा शूट उसको मना कर दिया शूट करने के लिए। वहाँ पर अगर शूट करते ना तो आप लोग देखते कि कितने ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। और वैसे भी इतना ज़्यादा ऊपर से झरने का पानी गिर रहा था ना कि आपको क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ से निकले ही ना। और यहाँ पर अद्विक को नहीं लाया था वहाँ पे, मतलब हम लोग लेके नहीं गए थे, और श्रीकांत भी नहीं आया था, श्रीकांत को ज़्यादा भीगना विगना पसंद नहीं है, इसीलिए वो अद्विक को लेके यहाँ पर ही रुक गया था। और हम लोग वहाँ पे गए थे, बहुत ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने, हम लोगों ने सोचा कि अद्विक को लेके जाएंगे वहाँ पे, तो अद्विक के भीगने की वजह से उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, उसी वजह से हम लोग उसे लेके नहीं गए थे वहाँ। तो मैं मम्मी के घर पर आई थी, अभी हम लोग निकलने वाले हैं मेरी सिटी के लिए, बट उससे पहले हम लोग ना कल जैसे गए थे झरने पर, वैसे ही हम लोग आज भी जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, तो बस वही चल रहा है, ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने अभी कर लिया है, बस वही भाग दौड़ चल रही है, सब लोगों की तैयारी चल रही है, तो चलिए अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। एक्चुअली वहाँ से निकलने के बाद, मतलब झरने के पास से निकलने के बाद हम लोग ना रात को आ गए थे यहाँ पे मेरे मम्मी के यहाँ पे, मतलब मेरे मायके में। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से मेरे मायके नहीं आई थी, इसीलिए ये बोल रहे थे कि चलो सबसे मिल के भी आ जाते हैं राखी पे। वैसे राखी पे सब लोग आए थे बट मेरा यहाँ पर आना नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और वैसे भी ना मेरे मायके से जो पास पास में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे झरने डैम वगैरह है, तो वहाँ पर भी हम लोग घूमने के लिए जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अभी निकले हैं घूमने जाने के लिए। यहाँ पर भी ऐसा एक झरना है, मतलब पास में ही मेरे मायके से, तो इसीलिए वहाँ पर अभी जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए। एक्चुअली बारिश कंटिन्यू हो रही थी, और जो बारिश में भीगने का मज़ा है ना, तो वो और कहीं नहीं है, बारिश में ऊपर से बारिश और नीचे से झरने का पानी, और वो जो पानी है आप लोग देख लेना बाद में। यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है अंदर जाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली ये MP बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, ऐसा लग रहा है मुझे, नहीं नहीं सॉरी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ये है, मतलब वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से, तो वो परमिशन है वो अंदर जाने के लिए। तो ये पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ पे, और ये ऐसे मतलब जो जिगजैग वाला रास्ता रहता ना वैसा रास्ता है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर भी। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे झरने थे, और इतने ज़्यादा मज़े किए ना यहाँ पर, थोड़ा सा अद्विक को भी भीगने दिया, और साथ में हम लोगों ने मम्मी पापा को भी ले लिया था। मम्मी पापा का मन नहीं था पहले आने का, वैसे मम्मी तो रेडी हो गई थी बट पापा रेडी नहीं होते हैं जल्दी, तो इस बार तो हम लोगों ने पापा को भी रेडी कर दिया और निकल आए थे। मतलब पापा मम्मी को भी अच्छा लगा एक्चुअली बाहर निकल के, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग यहाँ पर आए थे और बाहर निकले थे ना लॉकडाउन की वजह से, वो भी कहाँ निकले यार, कोरोना की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकला था। बट ये जो जगह है वो सिटी से एकदम बाहर है, और इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि चलो, मेरे भाई ने ही बोला कि चलो वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि हम लोग पहले दिन भी ऐसे ही झरने के पास गए थे।
वैसे भी ये जगह हम लोगों ने देखी नहीं थी, तो इसीलिए मेरा भाई लेके आया था यहाँ पे हमें। और यहाँ पर भी उससे भी ज़्यादा मस्ती की हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ी सी भीड़ लग रही थी हमें जहाँ पर पहले दिन गए थे हम लोग, क्योंकि 15 अगस्त थी और 15 अगस्त के दिन सभी लोगों को छुट्टी थी। सभी लोगों को लग रहा था कि कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। हम लोगों को लगा था कि घर से निकलने के टाइम कोई नहीं रहेगा वहाँ पे, बट इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ दिखी वहाँ पे हम लोगों को कि हम लोगों को लगा यार बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग ना ज़्यादा देर रुके नहीं वहाँ पे और जल्दी से निकल आए थे। बट यहाँ पर हम लोग बहुत देर तक रुके थे और बहुत देर तक मज़े किए थे, तो पानी का मज़ा कुछ और ही होता है। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर तो हमने अद्विक को भी थोड़ा सा फ्री छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, इसी वजह से हम लोग अद्विक को लेके जाने के लिए डर रहे थे और बहुत ज़्यादा बड़ा झरना था वो। बट यहाँ पे ना थोड़े छोटे छोटे झरने थे, इसीलिए हम लोगों ने अद्विक को भी फ्री छोड़ा था, अद्विक को भी थोड़ा मज़ा लेने दिया था। आगे आपको पानी का आवाज़ सुनाती हूँ, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसा लगा आपको पानी का तेज़ आवाज़ और झरना कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे हमने एंजॉय किया वैसे ही आप देख के एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। हमने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ मैं, इतना ज़्यादा हमने मज़े किए यहाँ पे। कितने दिनों के बाद बाहर निकले थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जेल से छुटे हुए कैदी है। बस यहाँ पर एंजॉय करने के बाद हम लोग घर पे निकल आएंगे, मतलब मेरी सिटी में। एक्चुअली वहाँ पर मम्मी के यहाँ पे हम लोग नहीं रुके थे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, इनको ड्यूटी जाना था दूसरे दिन, इसीलिए हम लोग चले आए थे फिर घर पे। चलिए अभी मिलती हूँ आपसे घर पे जाने के बाद डायरेक्टली। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो स्किन की बैंड बच जाती है उधर से आने के बाद, तो सबसे पहले बहुत अच्छे से स्किन केयर करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। वैसे मेरी स्किन आज बहुत ज़्यादा मुझे डल डल लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ आज बहुत ही अच्छे से स्किन केयर करूँ। और मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ये सद बोटैनिका का रोबिस्टा कॉफ़ी पील ऑफ मास्क। ये आता है विथ कॉफ़ी कैफेन एंड कोकोआ बटर के साथ, और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जैसे कि पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल्स एंड सल्फेट, ऐसे कोई भी केमिकल्स इसमें ऐड नहीं है। और ये ऑयल स्किन टाइप के लिए है, मतलब इसे कोई भी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, ये ऑयल स्किन टाइप वालों को सूट करने वाला है, तो मैं आज यही यूज करने वाली हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलता है ट्यूब फॉर्म में, और इसकी जो पैकेजिंग है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी जो पैकेजिंग है आप देख सकते हो, कॉफ़ी कलर का इसका ट्यूब होता है और गोल्डन कलर की इसकी कैप होती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी पैकेजिंग। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से कॉफ़ी का पील ऑफ मास दिया होता है, ये कुछ इस तरह से आपको मिलता है इसमें, और ये डायरेक्टली आपको फेस वॉश करके अप्लाई करना होता है इस तरह से। थोड़ी सी थिक अगर आप लेयर लगाते हो तो आपको निकालने में बहुत ज़्यादा इजी जाएगा, तो आपको थोड़ी सी थिक लेयर लगानी है इसकी, तो इस तरह से आपको लगा लेना है इसे। और बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है इसकी, बिल्कुल कॉफ़ी जैसी, ऐसे लगता है लगाने के टाइम पे ऐसे लगता है कि आप कॉफ़ी ही पी रहे हो। बस इस तरह से मैं इसे लगा लूँगी और इसे आपको ड्राई होने तक वेट करना है, और उसके बाद इसे मास्क जैसा उतार लेना है। आपको आंखों के एकदम पास नहीं लगाना है, थोड़ा सा आपको नीचे से लगाना है इसे, और इसे आईब्रो के भी एकदम पास नहीं लगाना है आपको। इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है इसे। बस अभी ये अप्लाई हो गया है तो इसे ड्राई होने तक वेट करूंगी, उसके बाद हमें इसे रिमूव करना है, मतलब इसे आपको पिल ऑफ करना है। ये मास्क जो है वो ड्राई हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो अब इसे मैं रिमूव करने वाली हूँ। तो यहाँ से हमें इसे उतारना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैंने मास्क उतार दिया है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है फेस।
काफी अच्छा सा ग्लो आ गया है फेस पे। अभी आप इसे पानी से वॉश भी कर सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि अभी क्लीन तो हो ही चुका है फेस, तो ऐसे भी रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ ये सद बोटैनिका की विटामिन सी एंड ई हाइड्रॉनिक एसिड ब्राइटनिंग नाइट क्रीम। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी भी, आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ इस तरह से आपको बॉटल मिलेगी। एक्चुअली ग्लास की बॉटल है और इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत क्लासी पैकेजिंग है इसकी। और इस तरह से आपको इसमें नाइट क्रीम मिलती है, पीच कलर की नाइट क्रीम मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है इसकी भी, वाओ। तो बस इस तरह से आपको इसे नाइट में अप्लाई कर लेना है और थोड़ी देर मसाज करके ऐसे ही छोड़ देना है इसे। थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको ये लगती है और अच्छी खासी क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है, काफ़ी दिनों तक ये आपकी चल जाएगी। थोड़ी सी क्वांटिटी में लगती है, आप देख सकते हो थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने ली थी। और बस इस तरह से आपको नेक एंड फेस पे ये अप्लाई कर लेनी है और नाइट क्रीम अप्लाई करके आपको सो जाना है। इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें विटामिन सी एंड ई है, तो विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है और विटामिन ई जो है आपकी स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है, तो बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है इससे आपकी। बस इसको नाइट में अप्लाई करके सो जाना है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इससे। और हाँ, आपको इसे परचेज करना है तो इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हो। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।